नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। मैं ये वीडियो बना रही हूं उन फेमिनिस्ट के लिए जो कंगना को अटैक कर रहे हैं और जया बच्चन का समर्थन कर रहे हैं। फेमिनिस्ट की बुद्धि तो उनके घुटनों में है, इसलिए लेट्स टॉक अबाउट देयर हिपोक्रेसी फर्दर। अब जया बच्चन ने जब कहा कि कंगना जिस थाली में खाती है उस थाली में छेद करती है, तो कंगना ने जवाब दिया कि इंडस्ट्री ने जो थाली दी उसे, उस थाली के अंदर उसे 2 मिनट के रोल मिले, आइटम सॉन्ग मिले या हीरो के साथ एक रोमांटिक सीन मिला, वो भी हीरो के साथ रिश्ते रखने के बाद। क्योंकि हम सबको पता है कि बॉलीवुड के अंदर कास्टिंग काउच है, मगर आज की तारीख में फेमिनिस्ट उस कास्टिंग काउच के ऊपर बातचीत नहीं करना चाहती। वो फेमिनिस्ट जो एक साल पहले तक मीटू के आड़ में हर पुरुष को रास्ते पर ले आई थी, ये कहकर कि उस पुरुष ने उसके साथ गलत किया रोल के बदले में, आज की तारीख में वही फेमिनिस्ट कास्टिंग काउच के ऊपर बात नहीं करना चाहती जिसके ऊपर कंगना ने बात करी है। और कंगना ने जया बच्चन को यह भी कहा है कि जो थाली की बात कर रही है वो थाली कंगना ने खुद अपने आप सजाई है, जिस थाली के अंदर उसने देशभक्ति के ऊपर फिल्म बनाई है, फेमिनिज्म के ऊपर बनाई है, जो उसने अपनी खुद की मेहनत से बनाई है। मगर उसके जवाब को सुनकर स्वरा जैसी गधी औरत, जी हाँ दैट्स व्हाट शी इज, कहती है कि कंगना जया बच्चन जी को गाली दे रही है। स्वरा, गाली वो होती है जो आपने 4 साल के बच्चे को दी थी, जिस बच्चे ने आपको आंटी कह के पुकारा था। अपना बचाव करना, अपना बयान देना गाली देना नहीं होता। आप जैसे फेमिनिस्ट, आप जैसे लिबरल्स ही गाली का मतलब तोड़ते हैं, मोड़ते हैं। आप लोग 4 साल के बच्चे को कुछ भी कह सकते हैं, बिकॉज वो बच्चा आपको आंटी कह के बुलाता है। आप उस पार्टी का समर्थन करती हैं जो पार्टी कंगना को खुली तौर से गाली देती है, मगर तब आप अपना मुंह बंद रखती है। और आज की तारीख में जब कंगना अपना जवाब दे रही है टू जया बच्चन, आप कह रही है कि कंगना गाली दे रही है जया बच्चन को। मतलब आप क्या नशा करती है? दिन में ही क्यूटी पिन खा रही है? रिया चक्रवर्ती का सारा स्टॉक आपके घर में पहुंच गया है? रही बात उर्मिला मातोंडकर की, उर्मिला मातोंडकर कहती है कि कंगना को बीजेपी से टिकट चाहिए इसलिए वो ये सब कर रही है। कंगना को बीजेपी से टिकट चाहिए, ये आप समझती हैं? आपको क्या लगता है कंगना उर्मिला मातोंडकर है? कंगना इज नॉट अ फिनिश्ड स्टोरी। कंगना आज की तारीख में भी 100 करोड़ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर देती है। उर्मिला मातोंडकर, आपका करियर बना बिकॉज राम गोपाल वर्मा ने आपको ब्रेक दी। जी हाँ, आप बनी बिकॉज राम गोपाल वर्मा लगातार आपको ब्रेक देते गए। क्यों देते गए ये आप जाने, राम गोपाल वर्मा जाने। जब राम गोपाल वर्मा ने आपको छोड़ा, आपका करियर भी खत्म हो गया और आपने शादी कर ली। आप डेस्परेट थी, आप फ्रस्ट्रेटेड थी, आपने कांग्रेस से टिकट ली, कुछ महीने कांग्रेस के साथ अपना नाम जोड़ा और खुद ही रेजिग्नेशन दे दिया। ये मत समझिए कि बाकी सारी औरतें भी आपकी तरह डेस्परेट और फ्रस्ट्रेटेड है। कंगना को टिकट मांगने के लिए या टिकट पाने के लिए अपना ऑफिस बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। कंगना कि अगर बीजेपी के साथ जुड़ती है तो बीजेपी को ही फायदा है, क्योंकि कंगना की बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। कंगना को यह सब करने की जरूरत नहीं है बीजेपी से टिकट लेने के लिए। यह मैं आपके मुंह पे कह रही हूं, क्योंकि सब आपकी तरह फ्लॉप एक्ट्रेसेस नहीं होते। तो आगे से कंगना को टारगेट मत करिएगा, क्योंकि अगर आप कंगना को टारगेट करेंगी तो हम आपकी धज्जियां उड़ा देंगे, चाहे आप उर्मिला मातोंडकर क्यों ना हो या स्वरा जैसी शिट क्यों ना हो। नमस्ते।